आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो एवरीवन, मैं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज की हम खबर बताने जा रहे हैं वो है कि भिवंडी में पहला पर्चा दाखिल हुआ है इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, मिले सामरे साहब ने अपने जीजाऊ संस्था की ओर से आज पर्चा दाखिल किया है। उनके पर्चा दाखिल के करने के वक्त जो भीड़ इकट्ठी थी, आइए हम उनकी तस्वीरें आपको बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे प्यारे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। आइए, उन्होंने अपने वक्त में क्या कहा कि ये भीड़ जो है वो क्यों आई है और हमने जो पर्चा दाखिल किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक फॉर्म और भी भरा है जो कांग्रेस की तरफ से है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें बी फॉर्म दे दे और वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब तक जो है राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद पवार के, उनका यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम की तमाम भीड़ इकट्ठा है और इन तमाम चीजों को, वो बातों को वो सामने रखकर आपके सामने दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर भी है। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो बाले मामा तो फॉर्म भरेंगे या जो कपिल पाटिल साहब फॉर्म भरेंगे, कि उनकी जो फॉर्म भरने की जो ड्यूस है उसमें कितने लोग रहते हैं। मैं अपने सहयोगी फॉर्म अंसारी के साथ सुल्तान कुरैशी। लोकांच्या मनामध्ये किती असंतोष येतो लोकांच्या मनामध्ये असलेल्या लोकप्रतिनिधीबद्दल असंतोष आहे, म्हणून इतकी मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं, त्याला यांना त्यांना येऊन फोटो काढावे लागतील। आम्ही तर आमच्या आई वगैरे नेले होते, मैत्री नेल्या होत्या, यांना नेऊन फोटो काढलेले, त्यांना आम्हाला आमच्या बरोबर समाज आहे, मतदार आहे, मूळ मतदार आहे, आम्ही चौकशी केली। समाज का प्यार आहे मेरे ऊपर, जो 15 साल से जो काम किया है आरोग्य उपाय में, शिक्षण में, महिला सक्षमीकरण में, उसका आज रिजल्ट आ रहा है। शेतकरी विकास में युवा को नौकरी दे, उसका रिजल्ट आ जाए, लोगों का प्यार है वो गांव गांव गली गली तो मिलता है। आज भिवंडी में इतना भीड़ हो गया मेरे को भी पता नहीं। लाख भर तो लोग थे, बहुत इतने लोगों को, मेरे माँ बहने को इतने देखने के बाद मेरा बहुत उत्साह हो गया। जैसा एक गाना है, तुला पाहिल्यावर आमदार झाल्यासारखं दिसतं, तसे माझ्या आया बहिणींना बघितल्यानंतर खासदार झाल्यासारखं मला वाटलेलंच आहे। दो फॉर्म भरे, एक कांग्रेस का भरा है और एक कांग्रेस। लापरवाही नहीं, इंडिया आघाड़ी है ना, उसमें कोई सुपारी लेके आवाज करते कि नहीं ये नहीं दिया तो हम हट जाएंगे, ऐसी बात है। कांग्रेस तो हमारे साथ में है। मेरे को तो ये चांस है, परसों 2 और 3 तारीख को जो नेता लोग फॉर्म भरने को आ रहे हैं, वो जिजाऊ का काम देख के और आज का लोगों का जो ये देख के, जिजाऊ का सामाजिक काम कर देख के, ये उम्मीदवारी अर्ज नहीं भरेंगे और हमें इंडिपेंडेंट जैसा सूरत में चुन किया ऐसे चुन के देंगे, ऐसे मेरे राय। हम छत्रपति शिवाजी जैसा हमारा खुद का संस्थान रहेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, शेतकऱ्याच्या देठाला हात लागता कामा नये अशा प्रकारचा आमच्या सैनिकांना या वर्षात इथल्या लूम्स बाबत, ज्याप्रमाणे सुरत में टेक्सटाईल पार्क आहे, अशा भिवंडी का हो जाएगा, लोकल बढ़ जाएगी, MMRDA में वाडा शाहपूर आ जाएगा, मेट्रो आ जाएगा शाहपूर तक, वाडा तक, मुरबाड तक, ऐसा हमारा व्यवस्थापन रहेगा, बदलापुर तक मेट्रो आएगा। टोरेंटो के बारे में हम जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे और पूरी जांच लेंगे, जो उनको 250 करोड़ रुपए माफ किया, लोगों के पास से ज्यादा भी लेते, लेकिन वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको जिस MSEB से या दूसरा कमेटी आएगा उसमें उनको सहयोग लेने का हम प्रयत्न करेंगे। सर, हम आगे की रणनीति क्या होगी, आज आपने फॉर्म भर दिया, आगे की रणनीति आप कैसे? सर, हमने 15 साल में काम किया, हमें कोई रन लेने का और रणनीति में करने में कुछ शौक ही नहीं, हमें ये राजकारण में भी शौक नहीं था, लेकिन लोग काम करते नहीं, जिसके हेल्प लेके चुनके आते हैं बाद में उनको ही गाड़ने का जो काम करते हैं, लोगों की शिक्षा के लिए कुछ करते हैं, लोगों के आरोग्य के लिए कुछ करते हैं, लोगों के रोजगार के लिए कुछ करते हैं, हमारे दीदियों के रोजगार के लिए कुछ, सक्षमीकरण के लिए करते हैं, हमारे शेतकरी के लिए कुछ करते हैं, खाली इसको दबाना उसको दबाना, इसके खिलाफ हम है, नहीं तो हमारे सोशल और बिजनेस में हम सुखी थे,
तो हमारा ये रहेगा, हम 100% स्पेशल काम करेंगे, राजकरण नो, नो पुलिस एफआईआर, नो कुछ। इसलिए हम शिक्षा देंगे बच्चों को, अच्छी शिक्षा देंगे, झोपड़पट्टी में भी हम कोचिंग क्लासेस करेंगे और पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए। आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि जो नशा देने वाले बेचने वाले नक्की कौन से पक्ष के हैं और कौन से पक्ष के लीडर को बेचने देते हैं, उसका आप स्टडी कर लीजिए। मेरा विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है आपको पत्रकार महोदय को, ये बेचने वाले जब पॉलिटिकल लोग रहेंगे, हमारे यहाँ स्टील चोरी का दुकान डालने वाले पॉलिटिकल लोग रहेंगे, तो किधर ना किधर तो गलत हो जाएगा। ये समाज को हम सही रास्ते पे लाएंगे।